आईपीएल 2023 का मैच नंबर 10 हमें होते हुए दिखने वाला है एलएसजी वर्सेस एसआरएच। और इस मैच के अंदर क्या मैच प्रेडिक्शन रहने वाली, कौन सी टीम जीतने वाली, कौन सी टीम मैच जीतने वाली है और क्या पिच रिपोर्ट रहने वाली और दोनों ही टीमों क्या प्लेइंग 11 रहने वाली आज के मैच के अंदर, तो सारी जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको देने वाले हैं। तो बस इस वीडियो को अंत तक देखते रहना। लेकिन आज का जो मैच होने वाला है एलएसजी और एसआरएच की टीम के बीच में, इस मैच की अगर आप लोगों को 100% कन्फर्म प्रेडिक्शन जाना है तो आप संपर्क कीजिए अंकित भाई से। अंकित भाई ने लगातार 9 मैचेस पास दे दिए आईपीएल 2023 के सीजन के अंदर। तो आपको आपके मोबाइल के स्क्रीन पर अंकित भाई का नंबर नजर आ रहा होगा, तो जाइए फटाफट इनसे व्हाट्सएप के ऊपर संपर्क कर लीजिए अंकित भाई से और आज का मैच विनर जान लीजिए। चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों ही टीमों की पिच रिपोर्ट के बारे में। बात कीजिएगा दोस्तों दोनों ही टीमों की नहीं बल्कि लखनऊ में जो मैच होने वाला है, जो कि लखनऊ की टीम का होम ग्राउंड रहने वाला है एकाना स्टेडियम, इसके पिच रिपोर्ट के बारे में बात की जाए तो आज का मैच होने वाला है लखनऊ के एकाना स्टेडियम में हो रहा है। तो आज के मैच के अंदर हमें ज्यादा बल्लेबाजों का बोलबाला रहते हुए दिखने वाले, क्योंकि बैटिंग पिच रहने वाली है और बल्लेबाजों को काफी मदद रहने वाली है इस विकेट के ऊपर। और अगर दोनों ही टीमों के प्लेइंग 11 के बारे में बात की जाए तो दोनों ही टीमों के अगर प्लेइंग 11 के बारे में बात की जाए तो एलएसजी की अगर प्लेइंग 11 के बारे में बात कर ले पहले तो क्विंटन डिकॉक केएल राहुल में ओपनिंग करते हुए आज के मैच के अंदर दिखने वाले। नंबर 3 पर दीपक हुडा, नंबर 4 पर काइल मैच, नंबर 5 के ऊपर निकलस पुरा, नंबर 6 के ऊपर कृणाल पांड्या, नंबर 7 के ऊपर आयुष बडोनी, नंबर 8 के ऊपर मारकूर, नंबर 9 के ऊपर यश ठाकुर, नंबर 10 पर आवेश खान और नंबर 11 पर रवि बिश्नोई हमें दिखने वाले लखनऊ की टीम के प्लेइंग 11 के अंदर। और वहीं अगर एसआरएच की टीम के प्लेइंग 11 के बारे में बात की जाए तो अभिषेक शर्मा मयंक अग्रवाल में ओपनिंग करते हुए दिखने वाले और मिडल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर और गेंदबाजों की बात की जाए नंबर 3 पर राहुल त्रिपाठी, नंबर 4 पर हैरी ब्रोक, 5 पर एडम मार्करम, नंबर 6 पर ग्लेन फिलिप्स, नंबर 6 पर नंबर 6 पर ग्लेन फिलिप्स रहने वाला, नंबर 7 पर वाशिंगटन सुधर, नंबर 8 पर भुवनेश्वर कुमार और 9 नंबर पर टी नटराजन, नंबर 10 पर फजल फारूकी और अंत में नंबर 11 पर रहने वाला मयंक मार्कंडे को। ये टीम अपनी टीम के प्लेइंग 11 के अंदर हमें जगह देते हुए दिखने वाले आज के मैच के अंदर। और जो भी टीम इस मैच में टॉस जीतती है तो हमें गेंदबाजी का फैसला लेते हुए दिखने वाली है और जो भी टीम गेंदबाजी करती है हमें इजीली मैच जीतते हुए भी देख सकती है, क्योंकि बैटिंग विकेट रहने वाला और आसानी से यहाँ पर रन भी चेज होने वाले हैं। और अगर बैटिंग कर लेते हैं कोई भी टीम तो काफी बड़ा स्कोर हमें बनाते हुए देख सकती है। ड्यू फैक्टर रहने वाले ड्यू आते हुए हमें नजर आ सकते हैं आज के मैच के अंदर। तो जो भी टीम टॉस जीतेंगे वो बॉलिंग भी ले सकती है या फिर बैटिंग भी ले सकती है। अगर जो भी टीम कुछ भी ले वो दोस्तों बल्लेबाजी के लिए काफी अच्छा विकेट रहने वाला है। जो भी टीम चीज करी वो भी जीत सकती है और जो टीम पहले बल्लेबाजी करती है वो 220 या फिर 200 का रन भी हमें बनाती है, 200 रन भी इस विकेट के ऊपर दिखने वाली है। वैसे आप लोगों के अकॉर्डिंग ये टीम कौन सा मैच जीतने वाली है, इनमें से कौन सी टीम ये मैच जीतने वाली है आज का, तो आप अपने कमेंट जरूर करें। और अगर 100% कन्फर्म प्रेडिक्शन जानिए तो अंकित भाई से जरूर से संपर्क कर लीजिए। तो बस ये वीडियो यहीं तक थी और अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो कर लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।